हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो यार, आज का व्लॉग फिर एक सैड न्यूज़ से स्टार्ट हो रहा है। यार अभी अभी सुबह को भैया नीचे आए थे, जैसे इनको सबको खोल के नीचे आए थे तो भैया ने मुझे बताया हमारा एक ग्रीन लॉबर्ड, यार पता नहीं क्या हो जाता है यार इसी वजह से मैं अभी और कोई ना जानवर, कोई परिंदे वगैरह कुछ भी नहीं लेके आ रहा। इसी सर्दी की वजह से हमारे रैबिट्स भी मर रहे हैं, हमारे चूचा गैंग भी मर रहे हैं और हमारा अब आगे तोता भी मर गया है। तो यार ये सैड न्यूज़ मुझे डेली जब मुझे भैया के नीचे बताते हैं ना, क्या कैसे बताऊं यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे बताऊं। अभी मैं नीचे बैठा था, भैया नीचे आए, भैया ने कहा हमारा एक ग्रीन वाला लव बर्ड मर गया। तो आप सोचो, आपको ऐसी खबर मिले तो आपके उस टाइम रिएक्शन क्या होंगे? मैं यार उसी टाइम मूड मेरा सारा उसी टाइम बैड हो जाता है, मेरा व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं करता, फिर भी मैं कहता हूँ यार नहीं यार व्लॉग बनाना है बनाना है बनाना है, आपके लिए बनाना है। तो यार आज फिर से एक सैड न्यूज़ यार, इसी सर्दी की वजह से मैं अभी और कोई जानवर परिंदे वगैरह नहीं लेके आ रहा। जैसे ही थोड़ी सी सर्दी और कम होगी इंशाल्लाह हम और परिंदे वगैरह, बहुत सारे परिंदे जानवर वगैरह लेके आएंगे इस पूरे ज़ू को, इंशाल्लाह पूरा ऐसे भर देंगे, जगह भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी वजह से अभी हमारा अभी तक ये केज भी बिल्कुल खाली का खाली पड़ा है, तो इसको भी हम इसलिए यहाँ कोई चीज़ भी नहीं लेके आ रहे। यार आज का एक और सैड न्यूज़ के साथ वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, चलते हैं यार इसको दफना के आते हैं, बस जो होना था हो गया यार। अपने लव बर्ड को मैं दफना आया हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा यार, बहुत सैड मोमेंट होता है यार। जब भी मेरा कोई जानवर परिंदा यार कुछ भी मरता है ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड होता है। मैं जैसे बर्दाश्त करता हूँ ना, कोई करता होगा, बस मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ और दे देंगे, सब्र करता हूँ इंशाल्लाह, सब्र का सिला मुझे ज़रूर मिलेगा अल्लाह की तरफ से, कोई बात नहीं यार और ले आएंगे इंशाल्लाह। तो यार अब मेरे हमारे दो पेयर थे ना, उसमें से अब एक पेयर हैपड़ा और एक पेयर सिंगल रह गया, तो अब उसकी भी देखेंगे वो नर था या मादा था, उसका भी जाके देखेंगे, वो अब अंदर जाके देखते हैं। यार ये बैठे हैं हमारे लव बर्ड्स, यार ये दोनों पेयर माशाल्लाह इतने ज़्यादा सेट थे ना, दोनों एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल रहते थे। एक पेयर देखो, वो देखो मेरे ख्याल यही वाला ऊपर वाला पेयर है माशाल्लाह, और ये सिंगल है बड़ा। यार हमारे दोनों पेयर माशाल्लाह परफेक्ट थे, दोनों लगे हुए थे, बस अंडे बच्चे नहीं दे रहे थे, वो पता नहीं क्यों वजह थी। मेरे ख्याल अभी ना इनका ब्रीड का फर्स्ट है पड़ा, ये अभी ना छोटे बच्चे थे, तो मेरे ख्याल ये पेयर लग रहा था, तो बस उसमें से एक हमारा मर गया। अब वो देखेंगे हमारा नर है या मादा है, तो उसका जो भी होगा वो भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। इसलिए यार अभी मैं कुछ भी नहीं लेके आ रहा, ना जानवर लेके आ रहा हूँ ना परिंदे वगैरह कुछ भी, अभी मैंने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया है। ये 10-15 दिन है पड़े और बस ये सर्दी और कम हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर और आपको दिखाऊंगा मैं बहुत सारे जानवर परिंदे लेके आने इंशाल्लाह, बहुत सारे फुल ऐसे सारी जगह इंशाल्लाह फुल कर देंगे, इतनी मेरी दिल की ख्वाहिश है पड़ी, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। जैसे ही सर्दी हल्की होगी तो हमारा वो मिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारे सारे पिजन्स वगैरह बैठे हैं, सुबह को इनका दाना हो गया था, तो अभी नीचे से मैं रोटी ले आऊँगा, रोटी भी डालूँगा इनको। तो हमारे लव बर्ड्स एक और बात भी बतानी थी, हमारी जो चिड़िया थी ना तीन थी, एक चिड़िया और भी मर गई हमारी, वो भी कल मरी थी, वो जब रैबिट हमारा मरा था ना, तो वो भी उसी टाइम में मरी थी। तो जब मैंने व्लॉग एंड कर लिया था तो
मैंने जब अंदर आके देखा तो हमारी एक चिड़िया भी मरी हुई थी, तो मैं उसको भी जाके दफना आया था। वो मैंने उसको फिर व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा फिर बहुत सैड सैड व्लॉग होते जा रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था मुझे बिल्कुल भी सैड व्लॉग नहीं पसंद, मेरा दिल ही नहीं करता सैड व्लॉग बनाने का, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे दिल करता है हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स हों, खुशी वाले व्लॉग्स हों। अब हमारे ये माशाल्लाह एक पैर है पड़ा और वो हमारा एक सिंगल। अब हमारी दो चिड़िया भी मर गई हैं और एक हमारा तोता भी। हमारी तीन नहीं बल्कि पांच चिड़ियां पहले मर गई थी जब फर्स्ट टाइम हम छह चिड़िया लेके आए थे। वो जो हमारी छोटी वाली थी ना, फिंचिस कहते हैं उनको, वो हम लेके आए थे, वो हमारी मरी थी, पांच मर गई थी। फिर मैं तीन और लेके आया था, वो हमारे दो पेयर हो गए थे, तो अब उसमें से दो मर गई हैं, अब एक पेयर रह गया हमारा, वो भी एक वाइट वाला है और कहाँ गई ये बैठी, एक ये कलर है, ये दूर से नहीं नज़र आ रहा, ये ऐसे नहीं करता हूँ, ये बैठी है। एक हमारी ये वाली रह गई है और एक हमारी वो वाइट वाली वो बैठी है, वो पिजन्स के दरमियान में वो बैठी है। भैया ले गए थे वो लकड़ी वाला बूरा, नहीं होता वो जो लकड़ियाँ कटाई करते हैं उसमें से बूरा निकलता है, वो नरम नरम सा होता है, वो गर्म होता है, तो वो हमने रैबिट्स के लिए वो बिछाया है। ये घास इनका अंदर रखा हुआ है, ये यहीं खाते हैं, तो ये अब इनके लिए ये हमने नरम नरम सा वो सारा बिछाया हुआ है। जैसे हमने चूचा गैंग का भी बिछाया था, बड़ा चूचा गैंग का भी, डकी गैंग का भी बिछाया था, तो अब रैबिट्स का भी भैया ने अंदर सारा वही भूरा जो होता है वो बिछा दिया है। अब ये माशाल्लाह सही है पड़े, पहले हमने मट्टी वगैरह तो रखी थी, मट्टी वगैरह ना ठंड की वजह से, शबनम की वजह से ना वो सारा अंदर पानी जैसे गया ना, तो वो सारी बिल्कुल जैसे गाढ़ा टाइप नहीं बन जाता, वैसे बनी पड़ी थी, तो अब ये ऊपर चला गया ना उसके, तो ये अब काम सही हो गया जी। तो यार आप सब भी दुआ करो यार, जल्दी से ये ठंड ख़त्म हो, ये सर्दी का जो हमारे ऊपर है ना यार, ठंड जब आती है ना यकदम से इतनी तेज़ ठंड आ जाती है या यकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाती है, बस ये ना अल्लाह पाक का अजाब है बड़ा हमारे ऊपर, यकदम से इतनी ज़्यादा ठंड, यकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी, फ़ौरन ही पता ही नहीं चलता इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाती है। तो यार बस आप सब दुआ करो, सब मिल के दुआ करो यार, अल्लाह पाक बस अपना अजाब हमारे ऊपर कम ही नाजिल करें। तो यार आज का ये व्लॉग यही था हमारा सैड सा व्लॉग, आज धूप बहुत तेज़ है पड़ी, एक दिन फुल तेज़ धूप होती है कि ऐसे ना कपड़े पतले से भी कपड़े पहनो ना तो गर्मी लगती है, तो किसी दिन ऐसी ठंड होती है ना, इतनी तेज़ ठंड होती है, आप कंबल के अंदर घुस जाएँ, जैकेट पहन लें मोटी वाली, फिर भी आपको ठंड लगती है, इतनी तेज़ ठंड होती है। तो यार बस हमारे जो जो जानवर परिंदे मर गए हैं ठंड की वजह से, कल के व्लॉग में मिलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, 200 यारों के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है इसको दबा के जाना यार, आपकी मेहरबानी होगी यार। ये आज मैं खुशी से कह रहा हूँ, ये सैड से व्लॉग में आज मैं आपको खुशी से कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। यार मेरे क्या नाम है वीडियोज़ पे ऐसे समझ लें 100% जो व्यूज़ होते हैं ना उसमें से 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 60% लोगों ने नोट सब्सक्राइब किया हुआ है यार। यार ये अच्छी बात नहीं है यार, आप भी सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगा। तो यार आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।